जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में आज सुबह से मतदान जारी है। यहां से 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और कुछ इलाकों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर कतारों में खड़े दिखाई दिए हैं। आर्टिकल 370 के कुछ नियमों को निरस्त किए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव है। इस आर्टिकल के कुछ प्रावधानों को 2019 में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। श्रीनगर लोकसभा सीट पर दो खातून सहित 24 अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा समर्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने पूर्व मंत्री आगर रोहुल्ला मेहदी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने अपनी युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी ने अपना समर्थन अपनी पार्टी को दिया है। अपनी पार्टी ने मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारा है और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी ने अमीर अहमद भट्ट को चुनाव मैदान में उतारा है। पर इस सीट पर मरकजी मुकाबला एनसी के प्रत्याशी आगर रहुल्ला मेहदी, पीडीपी के वहीद पारा और अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर के बीच बताया जा रहा है। सुनिए यहाँ के आवाम ने क्या कुछ बताया, किस तरह से बीते कुछ सालों में यहाँ गुर्बत बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। देख लीजिए, उतनी आम से नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। और आप देखिए, राशन घाट पे जाते 3 या 3.5 किलो चावल देते हैं, वो भी साफ नहीं होते है। उसमें भी सारा वापस, अगर साफ करके वापस निकलते हैं, हम लोग क्या करेंगे? गरीब का, जिसका एक आदमी कमाने वाला है, 5 आदमी खाने वाला, वो बेचारा क्या करेगा? इसलिए हम चाहते हैं हमारे लिए कोई इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ये देखो, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो ऑटो चलाते हैं, मजदूर, और खुदकशी करते हैं, दरिया में छलांग मारते हैं, ये क्या बात हुआ है? आपने कहा कि आज कल राशन घाट पे 3-3.5 किलो चावल मिलते हैं, क्या 10 साल पहले कितना मिलता था? 10 साल पहले हम जितने होंगे 40-50 किलो लेते, ऐसी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम है। अब ये कुछ सालों से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बिजली के हवाले से आपने बात की कि बिजली महंगाई होती जा रही बहुत है, बहुत महंगाई। पहले अगर बात करें कितना बिल आता था? हमें क्या आता है, ये ज्यादा नहीं आते, 100 रुपये आते, 100 रुपये, 150 रुपये, उससे ज्यादा नहीं आते। और आजकल देखा जाए, आजकल देख लीजिए बिल, और पावर रहता भी नहीं है। आजकल की बिल कितनी आ रही है? 3,000, 4,000, 2,000, उससे कम नहीं आते। आप अगर प्रमुख तीन बातें बताएंगे जी, कौन से तीन मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव पे लोग वोट डाल कर रहे हैं? हम चाहते हैं सबसे पहले बदलाव आए, अच्छा से नुमाइंदे जो हमें चुन लिया जिसका वो मतलब आए, क्योंकि वो लोगों का भी काम करे, हर किसी का, ये नहीं यहाँ दरियाओं में बच्चे छलांग मारते, नौकरी नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं उनके पास। क्या भ्रष्टाचार और विकास मुद्दा है यहाँ पर? करप्शन हाँ है, यहाँ गरीबों के लिए कोई नहीं उठता है, सब अपने अपने। हाँ, अगर कोई अच्छे से नुमाइंदो, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं क्योंकि हम भी सोचते हैं। जिस नुमाइंदों का आपने वोट डाला है, कि आपको लगता है वो ये मसले जो आपके, इंशाल्लाह अगर वो ईमानदार होगा वो जरूर काम करेगा, अगर वरना क्या, अपने वोट के लिए वो कभी कामयाब नहीं होगा।